आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा करके रख लें और उसमें ऑल का ऑप्शन जो है वो उसको सेलेक्ट कर लिया करें। खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। जैसा कि आज बहुत से समाचार पत्रों में ये चीजें दी हुई हैं और कुछ लोगों का कहता नहीं है कि दिमाग फिर जाता है इस चीज को लेकर के कि जून जुलाई में कुछ प्रमुख भर्ती परीक्षाएं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराना चला, ये सत्यता है, ठीक है ना, ये सत्यता है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। लेकिन अब ये कह देना कि भैया पीसीएस या आर ओ आर ओ आपकी जून जुलाई में होने चली, तो जून में तो पीसीएस आर ओ आर ओ नहीं होगी, ठीक है ना। और इनकी जुलाई और अगस्त की स्ट्रेटेजी को जाहिर सी बात है 27 तारीख के बाद ही समझा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप सभी लोग तैयारी जरूर रखिए अपनी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी नोटिस जारी कर सकते हैं। और इतने दिन से आवेदन हुए हैं तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी इस बात को भी क्लेम नहीं कर सकता कि हमें तैयारी करने का मौका नहीं दिया गया या एग्जाम डेट नहीं बताई गई। एग्जाम डेट आप सभी लोगों को पता ही होता है कि जुलाई में आपका पेपर होने चल रहा था, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया था। और ये विद्यार्थियों का अपना तर्क था कि ये 17 जुलाई को कराएंगे, है ना, ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन लोक सेवा की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया था। अब नोटिस नहीं जारी हो रही है तो ये कुछ लोग भी बोल रहे हैं कि विद्यार्थियों ने आंदोलन किया जिसकी वजह से नोटिस नहीं जारी हो रही है। तो ये तो सत्यता है कि विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बाद ही आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए मिला कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय ने आपके आर ओ आर ओ की परीक्षा को कैंसिल किया, ठीक है ना, उनके प्रयासों के बाद ही। और परीक्षा कैंसिल होने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग तिलमिला गया कि पेपर कैंसिल कैसे किए, है ना, क्योंकि वो तो अपने आप को पूरी तरीके से साफ सुथरा बता रहे थे। ये तो बाद में ये चीजें डिक्लेयर हुई कि हाँ पेपर लीक हुआ था, ठीक है। तो ये तो भैया सबसे बड़ा डेंट रहा उत्तर प्रदेश लोक सेवा की छवि पे, क्योंकि एक नहीं कई पेपर जो है वो लीक हो चुके हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के, ठीक है। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए भाई परीक्षा नियंत्रक भी गया बेचारे, नए परीक्षा नियंत्रक आए, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई कि वो आर ओ आर ओ की जो कैंसिल परीक्षा उसको करवाए, साथ ही साथ पीसीएस का सत्र लेट हो रहा है, ठीक है। और 2024 का जो परिणाम है अब वो तो 2025 में ही आएगा, उसको पहले तो नहीं आने वाला, क्योंकि प्री कराएंगे उसके डेढ़ दो महीने बाद उसका प्री का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आपका मेंस कराएंगे उसका रिजल्ट आने में कम से कम 3 महीने लगेगा, फिर उसके बाद साक्षात्कार होंगे, फाइनल रिजल्ट आप सभी लोगों को 10 दिन में देखने के लिए मिलेगा। तो जाहिर सी बात इतना समय बचा ही कितना समय है, है ना। तो इसलिए आप लोगों का ये पीसीएस 2024 ये जाएगा फरवरी मार्च तक जा सकता है, अगले साल तक, प्री नहीं मतलब फाइनल रिजल्ट। और विज्ञापन भी आप लोगों का डिले होगा, 2025 का विज्ञापन आपका डिले होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया आपकी चलती रहेगा और 2025 का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ऐसी चीजें नहीं है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीलियां करिए, बदलाव करिए और तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भरोसा नहीं कब कौन सी परीक्षा तिथि घोषित कर दे। आज एक सूचना निकली हुई है सम्मिलित राज्य कृषि अभियंत्रण सेवा परीक्षा को लेकर के, सॉरी अभियंत्रण सेवा परीक्षा को लेकर के, कि शासन से इसको डिक्लेरेशन मिल चुका है, अनुमति मिल चुकी है और विज्ञापन आप लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। हाँ वास्तविकता है शासन से आपको एलटीग्रेड और जीएससी की भी अनुमति मिल चुकी है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि अब आप सभी लोगों को एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि शासन स्तर से कोई चीजें नहीं रोकी गई है, अब डायरेक्ट यह है कि लोक सेवा आयोग इसका विज्ञापन जारी करे, क्लियर करे इस चीज को, ठीक है, ताकि विद्यार्थियों को विज्ञापन मिले और वो आराम से अपनी रिदम बना करके पढ़ाई कर सके, ठीक, बस यही बातें हैं। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा भाई अब चुनाव ना बीत जाने दीजिए, फिर उसके बाद जो है प्रक्रियाओं को आगे बढ़वाने की कोशिश हम लोग करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आपको समर्थन तो मिलेगा नहीं, प्रयास करना है अकेले दम पे ही, कोशिशें अकेले दम पे ही होंगी, तो वही किया जाए फिर, है ना। इसलिए आप सभी लोगों से
रिक्वेस्ट करूंगा कि अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, ठीक। और जब हम सभी लोगों के माध्यम से प्रयास होते हैं, उन प्रयासों का यही परिणाम होता है कि आप लोगों के लिए बहुत सी सकारात्मक बातें होने लगती हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधियों स्तर पर, चाहे वो आपके प्रशासनिक लेवल पे और भर्ती संस्थाओं के लेवल पे, ठीक है। देखिए, दिग्भ्रमित होना और संभावित होना या रियलिटी में उसको तब्दील करना, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। संभावनाएं कभी सत्य भी हो जाती हैं, कभी असत्य भी हो जाती हैं। दिग्भ्रम हमेशा ही परेशानी का सबब बनता है, लेकिन जो तब्दील हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, जाहिर सी बात है वो सुखद परिणाम आपकी आंखों के सामने होता है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भरोसा नहीं है कि वो कब कौन सा एग्जाम डेट आपको पकड़ा देंगे। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि पीसीएस की परीक्षा अक्टूबर नवंबर तक जाएगी, आरओ दिसंबर तक जाएगी, ऐसी कदाप परिस्थितियां नहीं होने वाली है, ठीक, बिल्कुल भी नहीं। इस बात को तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए, तैयारी करते रहिए। बहुत से हमारे जो बड़े भाई हैं और जो पीसीएस आरओ की तैयारी करते हैं, वो पूछते भी हैं कि भाई बताओ क्या चीजें चल रही है, कैसे हो सकता है, पेपर कब तक हो सकता है। भाई मेरी जानकारी के अनुसार तो यही है कि आप लोगों को जून और जुलाई में, जो मैं बातें हमेशा से कहता आया हूं, कई परीक्षाएं आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना शेड्यूल को बैलेंस करना चाहता है। आरक्षित तिथियां इनकी लगभग 7-8 तिथियां तो निकल गई, जो शेष बच रही है उसमें इनको नए विज्ञापनों के भी परीक्षा कराने की चुनौती होगी। अब जैसे सम्मिलित राज्य की सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी हुआ, क्या उसका परीक्षा नहीं कराएंगे? कराएंगे ना। तो जब कराएंगे तो वो परीक्षा कहाँ लेके जाएंगे? जून में लेके जाएंगे। जून में नोटिस जारी करेंगे कि हम 10 दिन बाद पेपर करा लें, तो कौन विद्यार्थी तैयार होगा भैया? कौन विद्यार्थी तैयार होगा? कम से कम 25 दिन का समय देना पड़ेगा, है ना। 25 दिन के टाइम में उनको भाई प्रिपेयर करना पड़ेगा, हाथ स्कैनिंग कर लिया, एडमिट कार्ड जारी कर दिया, सेंटर का निर्धारण कर दिया, एग्जाम करा लिया, है ना। तो सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, इसीलिए विज्ञापन में अब लोक सेवा आयोग किसी भी प्रकार की परीक्षाओं का उद्घाटन नहीं कर देता है, मतलब उसकी उद्घोषणा नहीं करता है। वो बोल देता है कि परीक्षा तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। बाद में घोषित करने का मतलब समझ रहे हैं, आपको 25 दिन पहले डेट ला करके चिपका देंगे कि हाँ परीक्षा इस तरीके हो रही है। सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा जो है वो आपकी जून में हो सकती है, लास्ट जून तक, ठीक है। विद्यार्थी इस चीज को लेकर के हलाकान है कि पता नहीं कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन पीसीएस 2024 अपने तय शेड्यूल के मुताबिक ही हो सकती है, मतलब जुलाई में, ठीक। जुलाई अगस्त में आपकी पीसीएस होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आयोग के अधिकारी लोग बोल रहे हैं, उन्हीं की सुगाहट है ये। और एग्जाम शेड्यूल देखने के बाद तो वास्तव में विद्यार्थियों के पसीने छूटने वाले हैं कि वो तैयारी करें कि क्या करें। लेकिन अब इसके साथ साथ आपका एलटी और जीएससी भी है, उसका विज्ञापन जारी होने के बाद तो आयोग के पास तो सबसे बड़ा सरदर्द वही है, क्योंकि उसमें विद्यार्थियों की संख्या लगभग 25 लाख होगी, लगभग 25 लाख आपके जीएससी और एलटी को मिलाकर के 23 से 25 लाख, ये ऑफिशियल डेटा उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किया था, लोक सेवा के अधिकारियों ने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि इतना आवेदन आराम से जो है एलटी और जीआईसी में मिला करके हो जाएगा, ठीक है। बहुत से अदर स्टेट वाले विद्यार्थी भी आते हैं, ठीक है ना। इस बार की जो टीजीटी पीजीटी 2021 फाइनल हुई थी, उसमें मेरी जानकारी में बहुत से विद्यार्थी बिहार के और पश्चिम बंगाल के भी हुए हैं, सिलेक्ट हुए हैं और यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं होती हैं कि आप लोगों को एक तय शेड्यूल के अनुसार 2 महीने 2.5 महीने पहले बताया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्री देते हैं तो मेंस पता होता है ना कि 2.5 महीने 3 महीने बाद हमारा मेंस होगा, ये पता रहता है आपको। मेंस की तैयारी में आप इस चीज को कंफर्म कर लेते हैं, हाँ इतने क्वेश्चन है, बात कर लिया, हाँ इतना मेरिट जा सकती है, आप मेंस की तैयारी में लग जाते हो ना। तो ऐसी परिस्थितियां आप लोगों की होंगी, तो थोड़ा सा धैर्यपूर्वक
इंतजार करिए, कल तो भैया वोटिंग है, जाहिर सी बात है वोट देने हम भी जाएंगे। आप सभी लोग भी भारी संख्या में मतदान करिए और देश के लिए मतदान करिए, राष्ट्र के लिए मतदान करिए, सनातन के लिए मतदान करिए, विकास के लिए मतदान करिए। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जुलाई में और अगस्त में आप सभी लोगों के जो टीजीडी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के एग्जाम की बातें चल रही हैं, ये वास्तविकता में ये धरातल पे हैं, ठीक है ना। कहने वाले भले ही कहते रहे कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ये धरातल पे अधिकारी इस चीज को लेकर के संवेदनशील भी है। इसीलिए 27 तारीख से सेंटरों का लेखा जोखा मांगा जा रहा है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। ये चीजें फाइनल होंगी, क्लियर होंगी, उसके बाद आप लोगों की तत्काल डेट आ जाएगी किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 की, ठीक है। ये क्लियर होने के बाद आयोग इसको लिटमस टेस्ट के नाम से जानेगा कि पहले हम पहली परीक्षा करा रहे हैं और ये सुखपूर्वक भैया हो जाए, है ना, ये परीक्षा सुखपूर्वक हो जाए। इसमें वैसे भी 115,000 विद्यार्थी हैं ही, है ना, तो ये परीक्षा आयोग के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है, ये परीक्षा आराम से करा ले जाएंगे। लेकिन कहते नहीं कि जो पेपर आउट करने वाले कीड़े होते हैं वो तो भैया कहीं भी घुस सकते हैं, तो ये आयोग के लिए नहीं पूरी भर्ती संस्थानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं। चाहे कितना भी कठिन कानून बना दें, सख्त कानून बना दें, इनको कोई भय ही नहीं है। पेपर आउट कराने का ऐसा कीड़ा इनके अंदर कुलबुलाता है, साल भर बैठाने का, भ्रष्टाचार से नौकरी पाने का, जाहिर सी बात है कि वो विद्यार्थियों का नुकसान तो करते ही करता है। अब उनकी कोई, उनका कोई करियर होता नहीं, जिंदगी होती नहीं, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है, इसलिए समस्या होती है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग टीजीटी पीजीटी 2022, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के अगर कोई फॉर्म भरा है कोई विद्यार्थी, उसकी तैयारियों में लगे रहिए भैया। इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग 27 तारीख के बाद अपने फुल स्ट्रेंथ में काम करने लगेगा, कंटिन्यू इनकी मीटिंग होगी, कंटिन्यू आप सभी लोगों के जो है वो अपडेट आते रहेंगे, तो तैयारियों में लग जाइए। और पहला विज्ञापन इनका यूपीटीईटी 2024 का ही होने चल रहा है, क्यों, क्योंकि संशोधित चीजों को शासन से मंजूरी मिल चुकी है और 1 तारीख के बाद तो पूरी तरीके से ये काम पूरे इनऑफ स्विंग हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपनी तैयारियां रखिए, सोशल मीडिया की रिवर पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि क्या बातें चल रही है, कैसे चल रही है, क्योंकि जो चीजें आप लोगों को चिपकाई जाती है ना डिजिटल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को काफी ज्यादा सरदर्द उससे होने वाला है, क्यों, क्योंकि आप अगर उस पर यकीन करके आगे बढ़ते रहोगे तो जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना आपको ही करना पड़ेगा। आप यदि हमारे नोट्स साथ चाहते हैं तो आप 97 41 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भाई बहन हमारे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि हमारी भर्ती कब तक आएगी, तो पीआरटी की वैकेंसी फिलहाल इस वर्ष के लिए तो नामुमकिन है, क्यों, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो कार्यवाहक सचिव महोदय हैं उन्होंने अपनी प्रायोरिटी में नई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, संस्था प्रधानों की भर्ती, नई संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती, नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती, साथ ही साथ नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को प्रमुखता से बताया। लेकिन जब हम लोगों ने प्राथमिक शिक्षकों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव शासन स्तर पर पेंडिंग नहीं है कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। हाँ, भविष्य में जारी कर सकते हैं, लेकिन इस वर्ष हमारे पास इतना खुद ही काम का बोझ है जिसकी वजह से हम विज्ञापन जारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अगर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं ना कि भैया कब तक आएगा सुपर टेट का विज्ञापन, अगर सारी परिस्थितियां सही रही होती, सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से बीएड डिग्री धारकों को बाहर नहीं किया गया होता तो 69,000 की भर्ती कैसे आई थी, जब बीएड और डीएलएड सब मिल करके जो है एकजुट होकर के अपना आंदोलन चलाए थे तब आप लोगों को वैकेंसी मिली थी, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि बीएड को पीआरटी से कोई मतलब रह नहीं गया, है ना, जिसकी वजह से अब आप लोगों का जो विज्ञापन वो ठंडे बस्ते में जा चुका है और वो फ्रीजर में हिमालय जमाने के लिए काफी है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल उम्मीदें नहीं है, बाद में यूपीटीईटी अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगी, दिसंबर जनवरी तक उसका रिजल्ट आएगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आप लोग अपनी तैयारियां रखिए,
अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। और 9741 4185 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत से विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे भैया आपकी आज का समय जुड़ना है, अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अब भैया कोई चांसेस नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग जो है मतलब ज्यादा माथे भर्ती ना करें, क्योंकि जिलों का वेरिफिकेशन अपने अंतिम पड़ाव में आ चुका है और उसके बाद सारी जो मुकदमे फाइनल किए जाएंगे, जो याचिकाएं पड़ी हुई उसको फाइनल कराया जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों को भाई जो कोर्ट का आदेश आएगा विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें वो की जाएंगी। हम सभी लोग भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जून के अंतिम सप्ताह तक ही पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से सिपाही भर्ती का जो एग्जाम डेट है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। और एग्जाम डेट फाइनल होने के बाद आप लोगों को ऑफिशियल तरीके से यूपीएसआई का विज्ञापन भी देखने के लिए मिलने वाला है। तो चिंतित नहीं होने का, आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस रखिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।